एक नई आशा द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय बनकटी चक के नव निर्माण और सुंदरीकरण का कार्य पूरा होने पर शुक्रवार को विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर शिक्षा अधिकारी ब्रह्मचारी शर्मा ने सामाजिक संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये विद्यालय शहर में सबसे जीर्ण हालत में था, लेकिन संस्था के सदस्यों के पुनीत प्रयास से अब शहर के सबसे सुंदरतम विद्यालय में परिवर्तित हो गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी पुष्पदंत जैन, संस्था के संरक्षक HN श्रीवास्तव, शीला श्रीवास्तव, राधा सर्राफ, आशीष छापड़िया, नीलम वासनीवाल, सीमा छापड़िया, कीर्ति अशोक केडिया, अरविंद तनवी, राजेश, राधा, रिंकी सहित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए संस्था की उपाध्यक्ष सीमा छापड़िया, अध्यक्ष उषा मस्करा, संस्थापक आशीष छापड़िया और नगर शिक्षा अधिकारी ब्रह्मचारी शर्मा ने कहा। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से हम लोग के मन में आया कि समाज के गरीब बच्चों के लिए जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाते हैं उनके लिए कुछ करें, तो उसी क्रम में हम लोगों ने ये स्कूल गोद लिया और हमें बड़ी खुशी है कि आज ये बहुत अच्छे स्वरूप में आ गया है। संस्था के सदस्य यहाँ पर अपनी और भी सेवाएँ दे रहे हैं, पढ़ाने भी आते हैं लोग, सुंदरता के साथ साथ एक्टिविटीज़ में भी सहयोग है और हमारा पूरा भरोसा है कि यहाँ बच्चे बढ़ेंगे और जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो मजबूत बच्चे होंगे और देश में अपना नाम आगे करेंगे। और साथ ही हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि आगे और भी स्कूल हम लोग इस तरह से अडॉप्ट करें और उसमें अपनी सेवाएं दें। और हमारी संस्था ने ये भी सोचा है जो बच्चे आगे पढ़ना चाहेंगे, जो बच्चे मेधावी होंगे और सिर्फ पैसे की वजह से वो अगर आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम उनको आर्थिक रूप से मदद करेंगे और भी कोई मदद उनको चाहिएगी तो उसके लिए भी हम सदैव तत्पर रहेंगे। एक नई आशा ने गुरुजी की कृपा से हमने ये स्कूल को गोद लिया है और हम यहाँ के विद्यार्थियों को टाइम टू टाइम एजुकेशन में हेल्प कर रहे हैं प्लस एक्टिविटीज़ में भी हेल्प कर रहे हैं ताकि ये कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों से टक्कर ले सकें और इनकी आगे पढ़ाई के लिए भी अगर इन्हें ज़रूरत होगी तो हम इनकी मदद करने को तैयार हैं। यहाँ पर एक नई आशा संस्था द्वारा इस विद्यालय को गोद लिया गया है और इनके द्वारा इस विद्यालय का जीर्णोद्धार किया गया। निश्चित रूप से ये विद्यालय जर्जर स्थिति में था
लेकिन इस संस्था के सहयोग से आज ये विद्यालय नगर का बहुत ही अच्छा स्कूल हो गया है और शहर के बीचों बीच का स्कूल। और हम जितने भी इस संस्था के लोग हैं, आदरणीय छाबड़िया साहब, मैडम और जैन साहब और सारे लोग जितने भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके आभारी हैं। और हम अनुरोध करेंगे कि नगर क्षेत्र के इस तरह के हमारे जो और भी स्कूल हैं, जन सहयोग से उन्हें भी सुंदर और अच्छा बनाने की कोशिश करें। ये हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं और आशा भी रखते हैं कि हमारे और स्कूल भी इस तरह से अच्छे बनेंगे और हमारे जो गरीब बच्चे हैं, हमारे परिषद के बच्चे हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से अच्छा मुकाबला करेंगे। धन्यवाद।